आप भी यही बाइक लेने वाले हो ओला के तरफ से, क्योंकि ये आता है सेकंड मॉडल, फर्स्ट मॉडल जो कि बहुत ही बेसिक है, सेकंड मॉडल, उसके बाद आता है थर्ड। ये है ओला की रोडस्टर, डिलीवरी से लेकर ऑन रोड प्राइस सब कुछ आपको बताऊंगा। बट एक काम आपको करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक कर देना जितना आपसे बने और इसको जितना हो सके शेयर कर देना। तो अभी हम फिलहाल सेकंड मॉडल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर भी तीन मॉडल आते हैं जिसकी प्राइस बहुत डिफरेंट है। अब आप लोग बोलोगे 75,000 वाली मॉडल कौन सी है, तो उसके बारे में वीडियो इसके बाद आप लोग देख लेना। ये जो मॉडल है इसकी प्राइस चालू होती है 1,04,000 से। ये वही बाइक है जिसका आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, टीजर आउट हुआ था इसी बाइक का हो रहा था, सब कुछ जो था इसी के रिलेटेड हो रहा था। जो 03 लिखा है ये है इसका सबसे लोअर मॉडल 3.5 किलोवाट का, उसके बाद आएगा 4.5 किलोवाट का, और जो हायर मॉडल आएगा वो आएगा 6.5 किलोवाट या 6 किलोवाट का। और बहुत लोग ये वाली बाइक को इस बाइक से कंपेयर कर रहे थे कि ये वाली बाइक आने वाली है जो कि येलो और रेड कलर में, और लोग सोच रहे हैं ये वाली बाइक कब आएगी। तो ये है ओला की स्पोर्ट्सटर, वो है रोडस्टर, ये एक्सपोस्टर है, तो ये अभी फ़िलहाल नहीं आने वाली है, ये उससे भी महंगी रहेगी और वो अभी अंडर प्रोडक्शन है, उसका सिर्फ वीडियो विजुअल वायरल हुआ है। ये आपकी रोड में चलते हुए भी दिख जाएगी, इसमें अलॉय व्हील बहुत शानदार है। अब जो लोअर मॉडल आएगा ना उसमें बैजिंग, और जो 4.5 आएगा उसमें बैजिंग, आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो जो प्राइस डिसाइड की गई है कंपनी के तरफ से 1,04,000 रुपये। और ये जो आप देख रहे हो ना स्पोर्ट्सर, ये दो ही कलर अभी शोकेस हुआ है, येलो और रेड, ये अभी नहीं आने वाला, तो ये अभी एक साल नहीं आएगा, तो इसके सपने अभी हमको देखना भी नहीं चाहिए। अभी जो प्रैक्टिकल में आप लोग को मिलने वाले हैं ना, और मिलने कब वाले, 6 महीने बाद, जी हाँ, जनवरी 2025 को इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, और ये इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है। अगर आप अभी बुक कराते हो तो आपको इतने में मिलेगा, वरना इसकी प्राइस जाएगी बढ़ और आप नहीं ले पाओगे ओला की बाइक। 10,000 से 20,000 भी बढ़ सकती है, 30,000 भी बढ़ सकती है। तो जैसे मैं बताया इसमें तीन मॉडल है, 3.5 किलोवाट, 4.5 किलोवाट और तीसरा है 6 किलोवाट का। तो सबसे पहले मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करो, ओला की जो बाइक है Gen 2 वो 4 किलोवाट बैटरी के साथ आती है, उसकी रेंज एक्चुअल कितनी मिल जाती है। कंपनी क्लेम करती है 190 और मिलती है आपको है 110, 120, 130, मैक्स टू मैक्स 140, ठीक है। ये जो 3.5 किलोवाट की बैटरी है इसमें चेन सिस्टम दिया गया है, तो ये बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और कंपनी ने हाईएस्ट रेंज बताया है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास। तो आप पॉसिबल नहीं है ना ही 3.5 में ना ही 4.5 में, 4.5 काम आपका 4 से भी कम का करेगा, क्योंकि चेन सिस्टम है, पिकअप टॉर्क ज़्यादा लगेगा 15-11 किलोवाट का, इसमें तो आपको पीक पावर देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिकल बात ये है, जो इसका 3.5 किलोवाट का मॉडल है ना, तो आप लोग इतना हाइप मत बनाओ, 1,04,000 का है अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस में, और जो इसका रेंज आपको एक्चुअल मिलेगा ना वो 100 किलोमीटर से भी कम मिलेगा। इसको ऐसे समझो S1X 3 किलोवाट की वेरिएंट का जो रेंज है उससे भी आपको कम मिलने वाला है, भले 3.5 है बट चेन की वजह से वो डिक्रीज जरूर होगा। 6 किलोवाट का जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 280-300 के आसपास है, तो वो आपको 250 किलोमीटर ईजिली दे देगा, क्योंकि दुगना है ना 3 से, आप तो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2.2 सेकंड में 0 to 40, 126 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड मिलेगी, 13 किलोवाट का पीक पावर है और 248 किलोमीटर की रेंज है, तो ये आपका 6 किलोवाट बैटरी है। और जो प्राइस आप देख पा रहोगे 3.5 किलोवाट का 1,04,000, 4.5 किलोवाट का 1,19,000 और 6 किलोवाट का 1,40,000, वो भी क्या है, इंट्रोडक्टरी प्राइस है। ये प्राइस आपका अभी बढ़ने वाला है, तो आपको अभी इसको बुक कराना पड़ेगा। ये जो बाइक है ना ये है एक्स मॉडल, जो लोग बोल रहे हैं ना 75,000 वो इसकी प्राइस है। इसका नाम है रोडस्टर एक्स, ये फर्स्ट मॉडल है, इसमें 2.5 किलोवाट की बैटरी, 3.5 और 4.5 किलोवाट की बैटरी रखी गई है। ये सबसे बेसिक मॉडल रहने वाला है 2.5 किलोवाट का, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को नहीं मिलेगा। कंपनियां शो केस में अपना टॉप मॉडल ही रखती है, उसका भी टॉप मॉडल, इसका भी टॉप मॉडल, तो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो आने वाली है और ऐसा रोस्टर प्रो के ऊपर भी आएगी, तो चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब जरूर करो। जानता हूँ आधे से ज़्यादा कस्टमर का अब दिल टूट गया होगा, क्योंकि रेंज यार आप लोग खुद सोचो 3.5 किलोवाट बैटरी है वो आपको कितना ही रेंज निकाल के देगी। मेरे पास भी S1 है, उसका रेंज मैं बताऊँगा 75-70-80 मिलता है, कितने भी अच्छे से चला लो, ज़्यादा अच्छे से चलाओगे 90 मिल जाएगा, बट नॉर्मल स्पीड में हम लोग 40-50 में चलाएंगे। और ये बाइक 2.2 सेकंड में 0 to 40 क्रॉस कर रही है, तो इसमें पीक पावर टॉर्क सब कुछ ज़्यादा है, तो रेंज भी उसी हिसाब से खाएगा। तो जो आपका 3.5 किलोवाट वाले वेरिएंट है, अगर आप लोग सिटी में ड्राइव करना चाहते हो ना थोड़ा मोड़ा, उसके लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़, अगर आप लोग 4.5 ले तो थोड़ा ठीक है, अगर आपको लंबा ही जाना है ना कहीं पे, हर दिन का आपका 100 किलोमीटर से ऊपर का ट्रैवल है, तो आप 6 किलोवाट की तरफ जाना, जो कि 1,40,000 का आएगा। और उससे भी अच्छा मैं बता देता हूँ, रोडस्टर प्रो ले लो, 8 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आएगा, रेंज लगभग सेम मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा बल्की बल्की फीलिंग है, उसके ऊपर भी आपको प्रॉपर वीडियो बना के मैं ज़रूर दूंगा।
तो अगली वीडियो मेरी एक्स वाले पे आएगी, उसके बाद प्रो वाले पे आएगी, या पहले प्रो आ सकती है, एक्स आ सकती है, आज ही के दिन आने वाली है। और 24 घंटे के अंदर तो भाई बहुत ही वीडियो आएगी, तो आज शाम को दो वीडियो आप लोग को और देखने को मिलेगी। और फिलहाल आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं, ये है रोडस्टर, इसी का 3 वेरियंट है, 1/4, 1/19, 1/40। आप लोग को तीनों में से जो मर्जी आप लोग वो ले लेना, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आँख बंद करके फैसला मत करो, अभी आपके पास टाइम है और बुक कराने की जल्दी नहीं है। बाकी आपको क्या भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे मुझे कमेंट करना, और आपको कौन सा वेरिएंट सबसे अच्छा लग रहा है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, वो मुझे ज़रूर बताना। और ये बात याद रखना, जो वेरिएंट 1,04,000 का होगा उसमें पीछे में डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा और अलॉय भी चेंज हो सकता है। ये इसका टॉप मॉडल है 1,40,000 का, इसमें मीटर बटन सब कुछ थोड़े बहुत डिफरेंट देखने को मिलेंगे। और आप लोग मुझे बताओ प्राइस के हिसाब से आपको वर्थ कौन सा लग रहा है, क्योंकि इसके टायर भी बहुत अच्छे हैं, चेन सिस्टम बता रहा हूँ, बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करेगा, मेंटेनेंस भी थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है। अब ये सक्सेस कब होता है, और डिलीवरी फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, 2025 जनवरी से डिलीवरी स्टार्ट है, अभी नहीं मिलेगी डिलीवरी। तो आपको समझ आ गया होगा, जो सेकंड मॉडल है ओला की तरफ से रोडस्टर, इसमें आपको अंदर ही तीन मॉडल देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको वैल्यू फॉर मनी यही लेना चाहिए, और जो लोअर मॉडल है उसमें आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, इस वीडियो में आप लोग इसी पर ध्यान दो। इसमें आपको ड्यूल डिस्क टॉप मॉडल मिलेगा, लुक जो आपको देखने को मिल रही है अच्छी खासी रेंज सब टॉप मॉडल में मिलने वाली है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मूव ओएस 5, ये सभी मॉडल में देखने को मिलेगा। और गाड़ी आज लॉन्च हुई है, तो उस हिसाब से जो इसके जितने भी एक एक टर्म है ना, वो एक दो दिन में अपलोड होंगे, तो उस हिसाब से हमको पता चलेगा कितने किलोवाट की बैटरी में कितना किलोमीटर रेंज देगा, टायर का साइज़ किस मॉडल में कितना मिलेगा। तो वो सब एक डिटेल से वीडियो बना के मैं जल्दी अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोग ने सुबह की वीडियो देखी होगी तो आप लोग को पता होगा मैंने लाइव के दौरान ही वीडियो अपलोड कर दिया था अपने दूसरे फ़ोन से, तो बहुत सारे कस्टमर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। तो ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो, और वीडियो में जितना हो सके उतना लाइक करना दबा के। और आप लोग मुझे बताओ आप लोग की फेवरेट बाइक कौन सी है, और क्या AI चलेगा या हमको पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ओला की बाइक ले रहे हो ना, एक्स में नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ आपको रोस्टर में मिलेगा और प्रो मॉडल मिलेगा, ठीक है। एक्स वेरिएंट आपका नॉर्मल बेसिक रहने वाला है, भाई स्प्लेंडर से सस्ता आ रहा है, तो इतना फीचर तो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हालांकि उसको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। हाँ, कुछ कुछ मिल सकता है, बट एक डिटेल्स बनाऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे। देखो भाई, डिस्क ब्रेक भी मिल रहा है आपको स्प्लेंडर से सस्ती में, बट ये टॉप मॉडल में मिलेगा, इसमें भी सेम कहानी है, 99,000 में, और ये प्राइस इंट्रोडक्टरी है। तो अगर आपको लेना है तो आप बुक करा लो कोई भी। तो आज के दिन आप लोग पूरा वीडियो का स्पेसिफिकेशन देखना ना, इसके बाद मैं एक्स या प्रो के ऊपर ले आऊँगा, उसको भी आप लोग बुक करा सकते हो, प्राइस आपको सब कुछ डिटेल से बता दूंगा। और जो ये वाली गाड़ी है ये नहीं आने वाली है, आप लोग इसको रोडस्टर मत समझ लेना, ये है इसका स्पोर्ट्सटर। तो ये गाड़ी अभी किसी भी कंडीशन में नहीं लॉन्च होगी इंडिया में, ये 2025-26 में टाइम लग सकता है। इस साल आपकी लॉन्च हुई है, अगले दिवाली में डिलीवरी मिलेगी प्रो मॉडल की, और जनवरी 2025 में आपको डिलीवरी मिलने वाली है रोडस्टर की। तो अब आप लोग मेरी एक हेल्प कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कोई भी डाउट है ना तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आराम से कमेंट देख के सबका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा अगर आपको फीचर भी देखना है, प्राइस भी देखना है, रेंज भी देखना है ना, तो आप 20 वाला वेरिएंट ले सकते हो, 1,19,000 का। थोड़े बहुत फीचर भी अच्छे खासे मिल जाएंगे, डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगा, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी। और जो भी लोग 1.5 लाख रुपये फंसाएंगे ना 6 किलोवाट के लिए, तो आप लोग 50,000 और फंसा के एक साल वेट कर लो, आप लोग 2 लाख का वेरियंट ले लेना 8 किलोवाट का, क्योंकि वो बहुत ही सुपर्ब है, उस हिसाब से पैसा लग रहा है। बट ये आपको जो फोटो में दिख रहा है, रियलिटी में देखो फोटो में कितना शानदार लग रहा है, बट रियलिटी में पार्ट्स की क्वालिटी आप लोग वीडियो को रिवर्स करके भी देख लेना, मुझे उतनी पर्सनली अच्छी नहीं लगी। एक्स मॉडल तो प्राइस के हिसाब से ठीक बोलूंगा, बट 1.5 लाख में 1,40,000 में इसको लेना, और इंट्रोडक्टरी के बाद इसकी प्राइस 1.5 लाख 1,55 हो जाएगी, तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। हो सकता है 1,60,000 भी हो जाए, वो डिमांड के ऊपर है। तो जनवरी से मिल जाएगी डिलीवरी, इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो, लाइक कर दो जितना हो सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।